नमस्कार, मैं हेमंत और बताना चाहूंगा सपन जी बर्मन के नेतृत्व में मैं क्षत्रिय सभा भवन स्वर्णकार समाज में बता रहा हूं कि स्वर्णकार समाज में ये वैक्सीन लगाई जा रही है और हमारे सामने हमारे समाज के प्रेसिडेंट यहां पर मौजूद है जेपी सुगन जी, सेक्रेटरी जी ये बताइए कि क्या चल रहा है, आपकी प्रोसेस क्या है इसका? हमारा प्रोसेस है कि कोई भी समाज का व्यक्ति उसको सेकंड डोज लेना, उसके पहले भी हमने यहाँ 3-5 डोज के कैंप लगाए हैं। आज से हमारा सेकंड डोज का कार्यक्रम शुरू है। कोई भी व्यक्ति समाज का बिना वैक्सीन के नहीं रहे, ये हमारा प्रयास है, हमारा संबंधा का, हमारी संस्था का। और इसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से ममता बनर्जी, विवेक जी गुप्ता, उनका पूरा सहयोग रहता है। प्लस हमारे में से सभा के सभी कार्यकर्ता सहयोग करते हैं। मैं बताना चाहूँगा अभी तक आपने कितना कैंप लगा चुके हैं आप? ये आज हमारा चौथा कैंप है। कितने कितने लोग हो जाते हैं एक कैंप में? 280 के आसपास लोग हो जाते हैं। तो और कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? इसके अलावा हमने रिश्ता में भी 2 कैंप लगाए हैं। रिश्ता में भी 600 लोगों को हमने वैक्सीनेशन किया है। रिछड़ा में भी किया है आपने? ये सिर्फ समाज के लिए है कि गैर समाज के लिए भी? सबके लिए है। देख सकते हैं हमारे सेक्रेटरी साहब जेपी सुगन जी जो है सबके लिए बता रहे हैं और हमारे सामने मौजूद है, देख सकते हैं काफी लोग यहां पर मौजूद है हमारे सामने जो कि वैक्सीन लगा रहे हैं। और कुछ वैक्सीन कहां लग रही है, क्या प्रोसेस है, मैं जरा बताता रहूंगा। देख सकते हैं अंदर से, देख सकते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि अंदर में ये देखिए बस, इसको बोलते हैं बिल वैक्सीन। तो ये बिल वैक्सीन जो है देखिए बस के अंदर लग रही है और धीरे धीरे मैं ये प्रोसेस आपको बस के अंदर दिखाता हुआ। यहाँ पर आप कर्मचारी हैं, यहाँ पर देखिए एक एक जन निकल रहे हैं और धीरे धीरे मैं आपको आगे ले जाता हुआ। यहाँ पर प्रोसेस पहला कौन सा है आपका, जो प्रोसेस है फर्स्ट क्या है ये? हम लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन करते हैं। हाँ, तो इनका पहले हम लोग वेरिफिकेशन करके सब कुछ हम लोग अप्रूव करेंगे, फिर जाके उन लोग को वैक्सीन। देख सकते हैं वेरिफिकेशन करने के बाद जो है वैक्सीनेशन होगा। आप दोनों वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आप भी? आप भी वेरिफिकेशन? ये वेरिफिकेशन हो रहा है। और यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आप क्या क्या मांग रहे हैं? आधार कार्ड का जीरोक्स। और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। देख सकते हैं आधार कार्ड का जीरोक्स है। और वैक्सीन कैसे लगाई जाती है, दो जगह वैक्सीन लग रही है, एक सेकंड में दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं आज तक आपने नाम ही सुना होगा, अब देखेंगे आप वैक्सीन कैसे लग रहे। कुछ दर्द नहीं होगा, कुछ भी दर्द नहीं होता। आप खाली इसको देखो, आईडी को देखो, कुछ नहीं दर्द हो रहा है। देख सकते हैं, देखिए कुछ हुआ, कुछ लगा, देख सकते हैं बच्चे ने लगाया। कितनी उम्र है आपकी? अरे उम्र कितनी है? 30। देख सकते हैं 30 उम्र है और कुछ नहीं हुआ, इन्होंने वैक्सीन लगा ली। कुछ हुआ, दर्द हुआ? नहीं हुआ। देखते हैं दूसरी वैक्सीन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ये पहली है कि दूसरी? दूसरी वैक्सीन है। मैडम ये बताइए जो वैक्सीन है इसका आप लोग, ये कौन सी वैक्सीन है ये? जैसे कोवैक्सीन है, देख सकते हैं कोवैक्सीन। इसकी सीलिंग दिखाएंगे कैसे कैसे, क्या सिस्टम है इसका? 0.5 ml लेना पड़ेगा। हाँ जी, 0.5 ml लेना पड़ेगा। 0.5 ml देना पड़ता है। और एक में ये इसमें कितने? 10 होता है, एक में 10 होता है, 10 ml। तो मतलब आप 20 जन को 10 डोज होता है एक में। देख सकते हैं एक में 10 डोज होता है। और कोई अभी आया नहीं, आ रहा है क्या? देखिए मैं अब लाइव दिखाऊंगा आपको, जैसे ही कोई आता है तो मैं। नमस्कार, मैं बता रहा हूं कि देखिए एक में 10 होता है, 0.5 ml दिया जाता है। और वैक्सीन कैसे लगाई जाती है ये भी आपको दिखाता हुआ। ये सेकंड वैक्सीन है, सिर्फ और सिर्फ हेमंत टीवी चैनल से आपको दिखाता हुआ। देखिए आज तक आपने कभी लाइव वैक्सीन नहीं देखा होगा, मैं आपको लाइव वैक्सीन दिखा रहा हूँ। इधर का दिखा देता हूँ मैं, 0.5 ml, दो जगह एक साथ दो वैक्सीन लग रही है। सेकेंड ये सेकेंड वैक्सीन है। हाथ लूज करो, हाथ लूज।
लग गया, हो गया हो गया, पता ही नहीं चला कि हो गया, कब हो गया पता ही नहीं चला। देखिए इनका भी हो गया है, तो मतलब कितना फास्ट है ये वैक्सीन की जो है। एक बार बोतल दिखाएंगे कैसा है, देखिए आप बोतल को पढ़ सकते हैं बगल से, मैं दिखा रहा हूँ। कोवैक्सीन, इसको कोवैक्सीन बोलते हैं, देख सकते हैं कोवैक्सीन लिखा हुआ है। एक एक सवाल है इस, आपको इस वैक्सीन के अंदर क्या क्या मिक्स है ये मालूम है आपको? हाँ इसके अंदर ही लिखा होता है, तो कोई कॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है। कोई खाली खाली है आपके पास, खाली बॉक्स खाली दिखाइए ना, देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हुआ क्या क्या मिक्स होता है। देखिए एक और जन आए हैं चाय के लिए आए हैं भाई, आपको लगना है yes. पहला लगा चुके हैं आप yes. कैसा लगा आपको? मुझे काफी अच्छा फील हुआ, कैसा बोलते जाइए आप। हाँ कैसा कैसा फील हुआ आपको? कोई दर्द नहीं हुआ, कोई बीमारी, कोई मतलब बुखार वगैरह कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा चलिए सेकंड वैक्सीन लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तानिया सुगंध है। तानिया, तानिया सुगंध, अरे वाह बहुत अच्छा नाम है। चलिए आइए यहाँ बैठ जाइए आप, दीदी के पास आइए। नहीं नहीं हम नहीं, तानिया सुगंध है। देखिए अभी आपको वैक्सीन लगा रही है और कोवैक्सीन है इसका, मैं थोड़ा आपको सनलाइट में दिखाऊंगा पढ़ाऊंगा इसमें थोड़ा ढंग से। ये देखिए मुझे हाथ को पहले लूज किया जाता है, अरे ऐसे तो फील ही नहीं हुआ लोग तो डर जाते हैं दूर दूर तक। कुछ दर्द हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए तानिया सुगंध है जिसको कि अभी फील नहीं हुआ है, मैं बताना चाहूंगा और इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना सिखाता हूँ। तानिया yes. इसको पकड़ो, आईडी को पकड़ना, आईडी आईडी देख सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आ जाइए, एक एक करके दिखा रहा हूँ आपको इतनी बगल से। पॉइंट फाइव ml, क्यों 0.5 ml दिया जाता है कोवैक्सीन। और एक मेरे को भी थोड़ा सैनिटाइज मारना पड़ेगा, 0.5 ml जो है वो दी जाती है। मैं एक एक करके आपको 8-10 तो दिखा देता हूँ ताकि आपको जानकारी हो जाए। हेमन टीवी चैनल से ले लेना आप, देखिए कुछ सेकंड लगता है और धीरे धीरे लोग लाइन में आते हुए, हाँ ले लो ले लो, धीरे धीरे लोग लाइन में आते हुए दिखाता हुआ हूँ। मैंने एक बोतल में 10 लोग लगा सकते हैं और एक बोतल में 10 लोग लगा सकते हैं, मतलब 0.5 10 ml 5 ml हाँ 10 लोग 0.5 ml करके 10। अच्छा अच्छा 10 लोग 5 ml है और 0.5 ml करके 10 लोग लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हेमंत ओसावर हेमन टीवी चैनल से आपको बताता हुआ दिखाता हुआ आज लाइव दिखा रहा हूँ। हाथ को थोड़ा सा लूज रखना चाहिए इस समय।
कुछ भी दर्द नहीं होगा। अगर आप आईडी की साइड देखेंगे तो आपको दर्द का लग गया इनका तो, अरे हो गया, लोग डर जाते हैं और स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि लोग डरते हैं। देख सकते हैं लोग वैक्सीन भी लगा रहे हैं। आपका सेकेंड डोज है, पहला डोज में आपको कुछ अनुभव हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा लगा आपको। क्या उम्र है आपकी? 26। देखिए 26 एज है, अभी यंग बैच भी लगा रहा है। और देखिए कितना सेकेंड लगता है, मैं 8-10 तो दिखाऊंगा आपको। स्वर्णकार समाज, सोनी समाज की तरफ से देखिए एक सेकेंड लगा। और तो ये जो चीज है आपको दिखा रहा हूँ मैं, किस तरीके से चक्के के अंदर माने बस के अंदर वैक्सीन लग रही है। अच्छा सेकेंड डोज है आपका, क्या नाम है? मेरा सेकेंड डोज है, मैं वॉलंटियर में था। वॉलंटियर में है क्या? देखिए वॉलंटियर है क्या आप? क्या वॉलंटियर में क्या कर रहे हैं आप? आधार कार्ड वगैरह चेक करना। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं सबका आधार कार्ड वगैरह चेक करना। वॉलंटियर लगे हैं स्वर्णकार समाज में, देख सकते हैं। और बैठिए, ये आप वेटिंग में है क्या? सब वेटिंग में, आप भी वेटिंग में है। क्या नाम है आपका? पूजा सोनी। देख सकते हैं पूजा सोनी और सब यहाँ पर एक एक करके। किधर है भाई, किधर है? हाँ भाई, क्या सेकंड वैक्सीन है आपका? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, आपसे बात अच्छा लग रहा है। अच्छा, कौन कौन आया आपके पास? हम दोनों। अच्छा अच्छा, आप दोनों है क्या? चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। आगे आगे का दृश्य मैं आपको दिखाता हुआ, अब मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ जहाँ लोग वेट कर रहे हैं। लिया इनका, देखिए सपंदा के नेतृत्व में अभी तक 280 वैक्सीन लगती है। और हमारे सामने देखिए पप्पू जी, तोसावर जी जो है देखते हुए, वेरिफिकेशन करते हुए सबका आधार कार्ड के साथ। अरे भाई, अरे क्या आपने अपने पहला वैक्सीन लगाया कि नहीं लगाया? हमने दोनों डोज लगा लिए। दोनों लगा दिया, तो आप जो कैंप को संभाल रहे हैं स्वर्णकार समाज के, ये भी एक स्तंभ है। और क्या बोलना चाहेंगे हमारे सोनी समाज को? स्वर्णकार समाज बहुत बढ़िया काम कर रहा है, सबसे बढ़िया सहयोग है अपने सपंदा का। हाँ, उनके सहयोग से ये वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है। और ये चौथा, चारों अटेंड किए आपने? ये चौथा भी है, देख सकते हैं हमारे सामने चारों अटेंड किए हैं। और स्वर्णकार समाज चारों तरफ बैठा हुआ है और सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। और दिखाना चाहूंगा कि धीरे धीरे लोग अपने घरों से आ रहे हैं, 280 के आसपास, 280 और चौथा कैंप है ये। और कैसे आपका ये सेकेंड डोज है? नहीं, मेरा ऑलरेडी हो चुका पहले से। दोनों हो चुका, तो कैसा लग रहा है आपको ये सेवा प्रदान करके? बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे आगे क्या आप हमारी जनता को, समाज को, देश को क्या ये देना चाहेंगे? जल्द से जल्द जितनों सबको, जिनको वैक्सीनेशन वैक्सीन नहीं लगी है उनको जल्द से जल्द लग जाए, ऐसी चेष्टा की जाए। जल्द से जल्द लग जाए, यही चेष्टा। और आगे भी कैंप लगाने का विचार है आपका? बिल्कुल, लगता रहेगा, लगता रहेगा, टाइम पर लगता रहेगा, टाइम टाइम पर लगता रहेगा। देख सकते हैं, बता रहे हैं कि समय समय पर लगता रहेगा। और हमारे सामने पप्पू जी तोसावर है जो कि दो शब्द बोलेंगे अवश्य। पप्पू जी, दो शब्द आप बोलिए। नहीं, आपका ये चौथा कैंप है, तो ये चौथा कैंप में अभी तक कितने लग चुके हैं? हर कैंप में कम से कम 270-275 लोगों को वैक्सीन दी जाती है। हाँ, तो पहले फर्स्ट डोज हुआ 3 कैंप में, आज सेकंड डोज आज चालू हुआ है। और इससे पहले भी सेकंड डोज के अपने समाज के, मैं सती सभा और सपन जी मनमन के नेतृत्व में काफी लोगों को लगा चुके हैं। ठीक है, और आज जो लग रहे हैं, आज भी हमारे समाज के कम से कम 200 लोगों को लगेगी। 200 लोगों को सेकंड डोज लगेगी और आम पब्लिक को लगेगी। अच्छा, और आगे भी आप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? एकदम लगाएंगे, रिसड़ा में जाकर के दो कैंप करके आए समाज के लिए।
देख सकते हैं डिस्ट्रा में जाकर दो कैंप करके आए हैं और यहाँ पर चाय पानी और बिस्किट की पूरी व्यवस्था है लोगों के लिए। मैं बताना चाहूँगा लोग यहाँ पर चाय पानी का और बिस्किट का आनंद भी लेते हुए। इसी के साथ मैं हेमंत गोदावर हेमंत टीवी चैनल से।